हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं बापा जी की ड्राइंग बना रही हूँ, और वो भी कैमल के ऑयल पेस्टल में। तो आप देखिए कि मैं कैसे करती हूँ। और यहाँ पर मैंने येलो कलर का यूज़ किया है, जो कि मैं सब जगह पे लगाऊंगी, ताकि ये हमें ऑरेंज कलर हम जब लगाएंगे तो थोड़ा लाइट दिखेगा। इसीलिए यहाँ पर मैंने ऑरेंज कलर और रेड कलर की धोती की है। और मैं हाईलाइट करने के लिए रेड कलर का यूज़ करूँगी थोड़ा। और ब्लेंड करने के लिए हम कॉटन बर्ड का यूज़ करेंगे, ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। छोटी छोटी एरिया में हम ब्लेंड करते हैं, तब कॉटन बर्ड का ही यूज़ करना चाहिए। और यहाँ पर मैं बैकग्राउंड का कलर ब्लैक करने वाली हूँ, इसलिए अभी मैं ब्लैक करूँगी कलर। और यहाँ पर मैंने रेड, ऑरेंज और ब्लू कलर के शेड इसलिए दिए, क्योंकि ब्लैक कलर अगर हम लगाएंगे तो थोड़ा बाकी के जगह पर भी ध्यान होना चाहिए, इसलिए मैं ये कलर लगा रही हूँ। और अब मैं बैकग्राउंड कलर देती हूँ। हमारा बैकग्राउंड कलर हो गया है। अब मैं वाइट कलर से हाईलाइट थोड़ा करूँगी। जहाँ पर मुझे लाइटर एरिया दिखाना है, वहाँ पर मैं वाइट कलर का यूज़ करूँगी। और उसका होने के बाद मैं इसको रेड कलर और ब्लैक कलर का यूज़ करूँगी, और वो वाटर कलर होंगे। तो वहाँ पर मैं सिर्फ बॉर्डर देने के लिए इसका यूज़ करूँगी। अब मैं इसको थोड़ा ब्लेंड करती हूँ कॉटन बर्ड की हेल्प से। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना। सो हमारा ड्राइंग अभी हो गया है। अब हम इसको सिर्फ बॉर्डर करनी है। और मैंने आपको पहले कहा था कि रेड और ब्लैक कलर का बॉर्डर करना है, तो मैं यही यूज़ करूँगी। वाटर कलर यूज़ करना है हमें। और अब मैं इसको रेड और ब्लैक कलर में बॉर्डर करूँगी।
ये तो हमारी ड्राइंग हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।